स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में सन 1976 में रिलीज होने वाली टॉप 20 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 20वें नंबर पर मूवी रही 1976 की चित्चोर। इसको बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमोल पालकर, जरीना वहाओ, विनीत घाटके और एके हंगल थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 19वें नंबर पर मूवी रही छोटी सी बात। इसको भी बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमोल पारकर, विद्या सिन्हा, अशोक कुमार असरानी थे। ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 18वें नंबर पर मूवी रही महाचोर। इसको नरेंद्र बेदी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, नीतू सिंह, अरुण आरानी, अरवर हुसैन, प्रेम चोपड़ा थी। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। 17वें नंबर पर मूवी रही बारूद। इसको प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, रीना राय, शोमा आनंद, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा और अजीत लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का व्यूवर्स बजट था 1,10,00,000। भारत में कमाई की 1 करोड़ की और भारत में कमाई के अनुसार से इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। लेकिन दुनिया में 19 करोड़ की कमाई की दुनिया में कमाई के अनुसार से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। 16 नंबर पर मूवी रही नहले पे दहला। इसको राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, सारा बानो, विनोद खन्ना, बिंदु ओम प्रकाश थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को ब्लो एवरेज करार दिया गया। 15वें नंबर पर 1976 मूवी रही बैराग। इसको आशीष सेन ने डायरेक्ट किया था। इसमें दिलीप कुमार, सारा बानो, लीना चंदावरकर, प्रेम चोपड़ा थे। ये ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। व्यूवर्स 14वें नंबर पर मूवी रही महबूबा। इसको शक्ति सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, योगिता बाली, आशा सचदेव, असरानी, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी थी। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। 13वें नंबर पर मूवी रही शंकर दादा। इसको शिबू मित्रा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अशोक कुमार, शशि कपूर, नीतू सिंह, बिंदु, अनवर हुसैन और प्राण लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। 12वें नंबर पर मूवी रही संग्राम। इसको हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, अरुणा ईरानी, जगदीप, अजीत डैनी थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। 11वें नंबर पर मूवी रही आप बीती। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी, अशोक कुमार, मदनपुरी और प्रेमनाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। 10वें नंबर पर मूवी रही दो अनजाने। इसको दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, ललिता पवार, उत्पल दत्त, प्रेम चोपड़ा थे। मिथुन ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इसको सेमी हिट करार दिया गया। और 9वें नंबर पर मूवी रही मां। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, निरूपा राय, ओम प्रकाश, रंजीत लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। 8वें नंबर पर मूवी रही कभी कभी। इसको यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राखी, नीतू सिंह, वहीदा रहमान, देनो में इफ्तिखार थे। इस मूवी ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। और 7वें नंबर पर मूवी रही कालीचरण। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, प्रेमनाथ, अजीत मदनपुरी थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। और व्यूवर्स 6वें नंबर पर 1976 की मूवी रही फकीरा। इसको सीपी दीक्षित ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, शबाना आजमी, अरुणा ईरानी, असरानी, मदनपुरी, डैनी, जगदीश राज थे। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 5वें नंबर पर जो मूवी रही उसका नाम था चरस। इसको रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी, असरानी, नाजिर हुसैन, अजीत, अमजद खान थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। 4वें नंबर पर मूवी रही हेरा फेरी। इसको प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, सारा बानो, सुलक्षणा पंडित, विनोद खन्ना, श्री राम लागू, उर्मिला भट्ट, पिच्चू कपूर थे। ये एक क्राइम और कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को हिट करार दिया गया। और व्यूवर्स 3रे नंबर पर मूवी रही नागिन। इसको राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, जितेंद्र, रीना राय, रेखा, मुमताज, योगिता बाली, विनोद मेहरा, फिरोज खान, संजय खान, कबीर बेदी थे। ये एक हॉरर फैंटेसी थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट था 1,50,00,000 रुपये। भारत में इस मूवी ने कमाई की 3,50,00,000 की और दुनिया में 7 करोड़ की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। 2रे नंबर पर 1976 की मूवी रही लैला मजनू। इसको HS रावल ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, रंजीता कौर, अरुणा ईरानी, अचला सचदेव, इफ्तिखार असरानी, रंजीत, रजा मुराद, डैनी पेंटल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट था 1,70,00,000। इस मूवी ने भारत में कमाई की 4,25,00,000 की और दुनिया में 9 करोड़ की कमाई के बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। व्यूवर्स 1976 के नंबर 1 पर मूवी रही 10 नंबरी।
इस मूवी लीड कास्ट में थे मनोज कुमार, हेमा मालिनी, बिंदु, कामिनी कौशल, प्राण, प्रेमनाथ, ओमपुरी। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट था 1 करोड़, भारत में कमाई की 4 करोड़ 50 लाख की और दुनिया में 9 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। तो व्यूअर्स, ये 1976 की टॉप 20 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर, एक्ट्रेस या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो।